आज देश भर में दिवाली का महापर्व मनाया जा रहा है। दिवाली को लेकर हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे और उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, जिससे पूरा अयोध्या जगमगा उठा था। आज दिवाली के इस महापर्व पर हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं आखिर कैसे भगवान की राम की मृत्यु हुई थी, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि भगवान राम और आत्मा की मृत्यु ही नहीं हो सकती है, फिर कैसे भगवान राम की मृत्यु हुई। इसी के साथ ये बात भी सच है कि जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। यह चक्र निरंतर काल से चला आ रहा है, लेकिन इस चक्र में जब भगवान राम विष्णु के रूप में जन्मे तो उनकी मृत्यु का समय आया तो यह चक्र और प्रकृति का नियम टूट रहा था। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में तो हो गया, लेकिन भगवान राम की मृत्यु होना असंभव हो रहा था, परंतु काल चक्र को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि उनकी मृत्यु हो और प्रकृति का नियम ना रुके और ना टूटे। इसलिए भगवान राम की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई जिसे जानकर आप यकीन मानी हैरान हो जाएंगे। आप भगवान राम को त्रेता युग के सारे काम कर लिए थे, उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो गई थी, उनका धरती में जीवन अवधि समाप्त होने लगा था, लेकिन भगवान राम की मृत्यु निकट आ रही थी। लेकिन समय समाप्त होने के बाद काल देवता यमराज भगवान राम के समीप नहीं आ पा रहे थे, उनको अपने साथ ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान जो स्वयं को भगवान शंकर के रूप में थे, वह भगवान राम के प्राण रक्षक थे। हनुमान शंकर जी का रूप थे और शंकर साक्षात्काल महाकाल का रूप है। महाकाल से उसके आराध्य और भगवान राम के प्राण छीन ले जाने की हिम्मत ना कर यम भी नहीं कर सकते थे। इसलिए किसी देवता और किसी के समस्या ये आ गई थी कि भगवान राम की मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी है, लेकिन उनके प्राण रक्षा के लिए अब हनुमान जी पहरेदार बनकर बैठे थे। कालचक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना और उनका स्वर्ग धाम जाना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी मुद्रिका यानी अंगूठी महल के छेद से गिरा दी और हनुमान जी को खोजने के लिए भेज दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप पर उस छेद से अंदर मुद्रिका लेने की खोज में पाताल लोक जा पहुँचे। पाताल लोक में हनुमान जी की भेंट नागों के राजा वासुकी से हुई। उसने भेंट करते हुए हनुमान जी ने अपने पाताल लोक आने का कारण पूछा। राजा वासुकी को उन्होंने जब बताया कि वासुकी हनुमान जी की बात सुनकर हनुमान जी को नाग लोक उस स्थान पर ले गए जहां मुद्रिकाओं का पहाड़ बना हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि आपको यहां आपके प्रभु की मुद्रिका जरूर मिल जाएगी, आप इन मुद्रिकाओं में से भगवान राम की मुद्रिका पहचान कर ले जाइए। मुद्रिकाओं के पहाड़ में भगवान राम की मुद्रिका तलाशना हनुमान जी को बहुत मुश्किल दिख रहा था, परंतु फिर भी हनुमान जी ने एक मुद्रिका उठाई और वह भगवान राम की थी। फिर हनुमान जी ने दूसरी मुद्रिका को देखते हुए उसको उठाया तो वह भी भगवान राम की थी। धीरे धीरे हनुमान जी ने अनेक मुद्रिका देखी तो सब पर भगवान राम की मुद्रिका थी, लेकिन यह सबको देखकर हनुमान जी आश्चर्य से भर गए और सोचने लगे ये कैसा रहस्य है। तब नागों के राजा वासुकी ने इस रहस्य को उजागर करते हुए हनुमान को बताया कि समय चक्र और काल चक्र अपनी गति से घूम रहा है, जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा, परंतु आप उस समय और काल चक्र के नियम बदल रहे थे। इस चक्र में भगवान राम की मृत्यु समय निश्चित हो चुकी थी, आप उस काल चक्र में बाधक बने थे, इसलिए आपको मुद्रिका के बहाने पाताल भेजकर भगवान राम की मृत्यु को प्राप्त करने के लिए समय और चक्र के नियम को बनाए रखा और इस तरह भगवान राम की धरती यात्रा समाप्त हुई और वो स्वर्ग को पधार गए। तो ऐसे भगवान राम स्वर्ग पधारे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 न्यूज़ पर। धन्यवाद।